अलवर के निजी होटल में नाराज कांग्रेसी पार्षदों ने विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे प्रत्याशियों के सामने नगर निगम के बिगड़ते हालातों को लेकर चर्चा की। गौरतलब है कि अलवर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड होने के बावजूद भी बीजेपी से महापौर है, जिसका गतिरोध लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेसी पार्षदों ने पिछले लंबे समय से कमिश्नर मनीष फौजदार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बैठक में मौजूद कांग्रेसी पार्षदों ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, अगर पार्टी आलाकमान व जिला कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया तो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्षदों के द्वारा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। मीटिंग चल रही है सरू विलास में, किस संदर्भ में चल रही है, पार्षदों की क्या मांगे? जो आज जो मीटिंग रखी गई है वो सभी पार्षदगण और जो हमारे शहर से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी टिकट मांगी है, दावेदार हैं, उन सभी को हमने बुलाया है। क्योंकि आज जो नगर निगम की वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए और शहर के जो हालात हैं उनको देखते हुए उन पर चर्चा करनी है, किस प्रकार शहर के विकास कार्य जो रुके हुए हैं उन विकास कार्यों को किस प्रकार से कराया जाए, किस प्रकार से उनकी बात की जाए, उसके लिए हमने मीटिंग का आयोजन किया गया है।